नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बरेली उत्तर प्रदेश, अवैध खनन पर कार्यवाही, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। एसडीएम मीरगंज व सीओ ने अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिमी में अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को एसडीएम मीरगंज राजेश चंद्र व सीओ जगमोहन बुडोला ने ठिरिया खेतल नदी पर हो रहे अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया है। थाने में तीनों को सीज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ठिरिया खेतल नदी पर बड़ी संख्या में परसाखेड़ा सीबी गंज से ट्रैक्टर ट्रॉली रेत लेने नदी पर जाती हैं। भट्टे वाले 200 रुपये ट्रॉली लेते हैं और खनन की रॉयल्टी की परमिशन दे देते हैं। उसी आधार पर ट्रैक्टर ट्रॉली जमकर खनन करती हैं और बरेली में रेत को बेचा जाता है। सुबह 9 बजे परसाखेड़ा एवं सीबीगंज क्षेत्र की 3 ट्रैक्टर चालक भूरे पुत्र सोमपाल नेत्रपाल पुत्र चंद्रपाल निवासी जोगी ठेड़ नीरज पुत्र हरपाल निवासी चंद्रपुर काजियान को भी पकड़कर बिठा लिया गया है। एसडीएम राजेश चंद्र ने बताया कि रॉयल्टी के कागज दिखा रहे हैं लेकिन ये रॉयल्टी फर्जी लग रही है, इस पर कोई क्षेत्र नहीं लिखा है, इसकी जाँच की जा रही है। बरेली से कमर बेग की रिपोर्ट। कहाँ रहते हो? तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ रहते हो? अच्छा, ये ट्रैक्टर कहाँ से पकड़े थे? कहाँ से लाए थे रेत? ये भट्टे पे ले आ रहे हैं। कौन से भट्टे पे? उत्तम पप्पू प्रधान। ये ट्रैक्टर किन्ने पकड़े? सामने पकड़े अर्जुन साहब। अर्जुन साहब ने पकड़े थे। किस समय? अभी पकड़े।